दोस्तों ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वह दिल्ली का नहीं बल्कि अबोहर का है और इसमें सिमिलरिटी ये है कि आज दिल्ली में भी पानी की कमी चल रही है और अबोहर के राजीव नगर एरिया की कुछ गलियां और नई आबादी की कुछ गलियां भी भयंकर गर्मी में वाटर वर्क्स के पानी से वंचित है और दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अबोहर के पार्षदों की गुजारिश पर कई गलियों में विभाग द्वारा पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं, लोग पानी नहीं मिलने के कारण अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि डॉक्टर मुकेश ने कहा कि कुछ गलियों में ओवरहेड टैंक का पानी सप्लाई होता है और उस समय बिजली महकमा कट लगा देता है जिसके कारण यह परेशानी आ रही है। उनके कहने पर विभाग द्वारा टैंकर भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। पानी को तरस रहे हैं, टैंकर से पानी मंगवा कर घरों में भरवाया जाता है। गली नंबर 5 रजीव नगर 10 दिन से बाढ़ वाकई बोल रहे हैं कि पानी की समस्या आ रही है, ताकि इनको दिक्कत आ रही है पानी के लिए। देख लो आपके सामने ही है कि पानी के लिए कैसे लड़ रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं सभी। तो टैंकर एक है ये गली नंबर 5 है राजीव नगर। ये हालात हैं मौजूदा सरकार के, इसके बारे में क्या बोल पाओगे आप, ये देख लो हालात इस टाइम पानी के। राजीव नगर गली नंबर 5। चलो धर्मेंद्र जी, पिछले ना 4 सप्लाइयों साढ़े पानी रेगुलर नहीं आ रहा सी, ते उदे करके जो अपने राजीव नगर का 4 नंबर तो बाद ये थोड़ा पाइपा जीडिया ना जो सीवरेज का कम होया तो उन्होंने जो पाइपा जोड़िया ने तो जोड़ बैंड पाते, बैंड पान करके ना थोड़ी पाइपा की जी उचाई होगी वो करके पानी बगैर प्रेसर तो नहीं चढ़ता। ओवरहेड के पानी जो छड़ते उ चढ़ता, तो जो ओवरहेड की वारी आँगी 9:30 उदो लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने करके जो ओवरहेड का प्रेसर डाउन हो जाता तो पानी उत्थे तक नहीं पहुँच रहा। इस करके पिछले साढ़े कोई 10-15 दिन तो पानी काफ़ी समस्या हो रही थी। फिर मुलाजम रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट करने तो बाद उन्होंने अज मतलब 3-4 कैंटर भेजे है। तो बिजली बोर्ड के एक्शन साहब जाखड़ साहब मिले से संदीप जी, उन्होंने भी किया कि लाइट की थोड़ी समस्या का हल करके दो। उन्होंने सानू आश्वासन दिता है कि थोड़ी लाइट का समस्या का हल हो जाएगा, ठीक है, कि पानी की रेगुलर सप्लाई हो जाएगी।